13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मेरे भाई और भतीजे पे इल्जाम लगाकर उनकी तौहीन करती रही हो, अब तक मैं खामोश रही, लेकिन बहुत हो गया। लगता है तुम अपनी हद भूल चुकी हो। और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। वैसे मुझे गुस्सा आता है उस पे, लेकिन कभी कभी मुझे उस पर तरस भी आता है, लेकिन ज्यादा तरस गुंदोगदू पे आता है। सुलजान ने अपने साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो काम तुम काई कबीले में नहीं कर पाई थी, वो फितना और फसाद तुम इस कबीले में फैलाना चाहती हो, लेकिन ये कबीला जन्नत है हमारी और यहाँ ये शैतानी हरकतें नहीं चल सकती। शर्माती है मुझे कि मैंने तुम पर एतमाद किया। लानत हो उस दिन पर जब तुम मेरी जिंदगी में आई। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अपनी मनहूस सूरत लेके फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। कुंदोगदू का अपनी बीवी के साथ मसला चल रहा है। तुम्हें किसी भी तरह कोई चालाकी करके उन्हें जाल में फंसाना होगा। अपने तेरी नेमतों का शुक्र है या रब। आला हजरत, अब मुझे इजाजत दीजिए। दिल गिरफ्तार लगते हो, किस बात से परेशान हो तुम? सोचता हूं क्या करूं। लोगों को मुश्किलात से बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता। थक गया हूं। फरसंद, इस सफर में तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। लोगों से कोई उम्मीद न रखो तुम। मां, बीवी, भाई और तुम्हारे साथी कोई नहीं समझ पाएगा। तुम्हारे अंदर क्या है वो नहीं देख सकते। बहादुरी यह है कि उन सबको अपने ख्वाबों में हिस्सेदार बना लो, और ये भी बहादुरी है कि अपने ख्वाबों का और अजायम का गवाह बना लो अपनी कौम को। कभी ना उम्मीद मत होना तुम, क्योंकि जब इंसाफ का आलम तुम्हारे हाथों सरबुलंद होगा तो हर कौम उसके साये तले आने की तमन्ना करेगी। एक के बाद एक दुश्मन सामने आ जाता है। ओवोस कबाइल और आलम इस्लाम गिर चुके हैं। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ दुश्मनी तर्क कर देंगे तो फिर तुम्हारी मौजूदगी की क्या अहमियत रह जाएगी। मतलब ये कि अपने अकदार को फरामोश कर दिया आपने, क्योंकि दर हकीकत वो आपके ईमान और अकायद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सुकून मिला है बहुत। कब मुलाकात होगी तुम्हारा? अभी कुछ इंतजार करना होगा। कुछ अरसे बाद हम साथ होंगे इंशाल्लाह। अपने इस लिबास को किसी पर जाहिर मत होने देना। दुश्मन की नजरें बद से बचाना, बहुत कीमती है ये। शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। दुआ है जल्द मुलाकात हो आपसे इंशाल्लाह।
हाँ बताओ कारबे, क्या खबरें लेकर आए हो? सादुद्दीन को बेग ने सलाम भेजा है। सुल्तान अलाउद्दीन ने आर्तुकुश नामी जासूस को इस जानिब रवाना किया है। अगली बार तक जंग के लिए मालूमात हासिल करना चाहता है, मोहतात रहना तुम। यानी सुल्तान अलाउद्दीन को अभी भी ये लगता है कि वो हमसे छुटकारा हासिल कर सकता है और हमारे साथ वो खेल खेलना चाहता है। ठीक है, खेलते हैं फिर। तांगुत, हमजा, सादतिन को पैक का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। जी जरूर। हमजा, शिकार करना है तुम्हें। अर्तुकुश नामी एक गद्दार है, उसे मारना नहीं है, जिंदा चाहिए मुझे। समझ गए ना तुम? जैसा आपका हुक्म सरदार। हाँ, और अपने साथ अब्दुल रहमान को भी लेके जाना। लेकिन अगर उसने कोई चालाकी दिखाई तो जिम्मेदार तुम होगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तूतकिन, एक बात करनी है तुमसे। जी कहिए। गुमुश्तकिन ने अपना जंगजू भेजा है, उनका कयाम बढ़ गया है। वो चाहते हैं कि तुम्हारे जंगजू गोंजा गुल को कारवान सराय से ले आएं। तुम जानते हो कि रास्ता कितना खतरनाक है। गोंजा गुल बहन को मैं खुद लेकर आऊंगा। बेहतर है, वो मेरे भाई की इकलौती बेटी है, वो उसको बहुत चाहते हैं। मैं जानता हूँ वालिदा, इसलिए मैं उसे खुद लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल परेशान मत हो आप। जल्दी लौटना, आज हमें गोगचे का रिश्ता मांगने जाना है। वैसे तो अब गोंजा कुल की भी शादी की उम्र हो रही है, वो भी खुश होगी शरीक होकर। फिर इंशाल्लाह उसके लिए भी रिश्ता ढूंढ लेंगे हम। मेरी बेटी सलजान, बहुत समझदार हो तुम। तूतकिन और गोगचे की शादी के बारे में तुम किसी से कोई बात मत करना, खामोश रहना। हमें सिर्फ अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। चलो मेरी बच्ची, उठ जाओ। आइए सलजान। ठीक हो जाएगा, हम दोनों इस मुश्किल वक्त को साथ मिलकर काट लेंगे सलजान। वक्त एक सा नहीं रहता, अर्तुरुल और तुम्हारे साथ और गुंदोक्तों के साथ मैंने जो कुछ किया है मुझे सब याद है, सब याद है। ये मकाफाते अमल है हलीमा, मुझे जहन्नम की आग में जलने से कोई नहीं बचा सकता। अब हलीमा, अब चुप रहूंगी मैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी पता है तुम्हें? ताकि मेरी बहन अर्तुरुल के गम को भुलाने में कामयाब हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि गोगचे ने तुम्हें कितना परेशान किया है, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहूंगी। मगर तुम याद रखना, इस शादी के नतीजे हम सबको भुगतने पड़ेंगे। Ha ha ha.
मैं साथ चलता हूँ आपके। इसकी जरूरत नहीं है कोजाबाश, मैं रात होने से पहले वापस आ जाऊंगा। तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी ताजर अफरासियाब पर। खैरियत तो है भाई, गड़बड़ तो नहीं है कोई? नोयान जब तक जिंदा है मैं सिर्फ अपने हथियार पे ही भरोसा कर सकता हूँ कोजाबाश। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल ठीक। गोकचे, पप्पी जान ने कुछ बात की तुमसे? कोरकुत मामू का पैगाम मुझे बताया है। तो इसलिए मुझसे शर्मा रही हो? आप जानते हैं ये सब बहुत अचानक हुआ है। कुंजा गुल बहन को लेने जा रहा हूं, अगर किस्मत ने साथ दिया तो रात तक उन्हें लेके आ जाऊंगा। जी ठीक है। बहुत दूर तो नहीं जा रहा, लेकिन काश तुम ये जान सको कि मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है गोपचे। तुम्हारे जवाब का मुंतजर हूं मैं, वरना यह मुख्तसर सफर तवील हो जाएगा गोपचे। वो हाय मखानम और मामू की मर्जी पर मुनसर है। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है ये उनके फैसले से कहीं ज्यादा अहम है। हमारे हक में जो भी बेहतर हो। कहिए हलीमा सुल्तान, अर्तुरुल कहां है तुर्कुत? मुझे बात करनी है उनसे। मैं जानती हूं वो मुश्किल में है, लेकिन बात करना जरूरी है। भाई पहले वापस आ जाए, उसके बाद उनसे मिलने का रास्ता जरूर निकाल लेंगे हलीमा सुल्तान। आप जानती हैं। सब जानती हूं मैं, लेकिन वो यहां वापस नहीं आ सकते। वालिदा ने तो उन्हें कबीला बदर कर दिया है। तुम समझते क्यों नहीं हो कि इस तरह मैं उनका इंतजार नहीं कर सकती? मुझे बताओ कि वो कहां है, मैं मिलना चाहती हूं उनसे। मंगोल चारों तरफ फैले हुए हैं, आपका बाहर निकलना मुनासिब नहीं हलीमा सुल्तान। और हमें भी कौन सा इल्म है जगह का? हाँ, हमें क्या पता। अगर तुमने सच नहीं बताया तो कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। इस तरह की बात मत कीजिए हलीमा सुल्तान, हमारे दिल और हमारी रूह तक भाई के हुक्म की पाबंद है। हम आपसे भला क्यों छुपाएंगे, हम नहीं जानते।
ये क्या हो रहा है तुर्क? पहले हाइमा खाना, अब हलीमा सुल्तान। पूरी जिंदगी इतना झूठ नहीं बोला मैंने। मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा। चलो चले। गुल खातून, जनाब आर्तकुश, आइए यहां तशरीफ रखिए। खैरियत यहां कैसे नजर आ रही हैं आप? मैं आयतुलिन भूभी के पास जा रही थी। बाबा ने तन्हाई रवाना कर दिया आपको? कोई अहम मामला लगता है मुझे। जी बिल्कुल, अहम मामला है। बाबा फिलहाल कोनिया में मसरूफ हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। और आप? सुल्तान अलाउद्दीन ने आपको जाने की इजाजत कैसे दे दी? सभी जानते हैं वो तो आपके बगैर अपने महल में भी कहीं नहीं जाते। उन्हीं के हुक्म पर आया हूं मैं। बात सुनो। जी फरमाइए। यहाँ खाना लगा दो। जो हुक्म जनाब। हलीमा सुल्तान हमारा ताकुब कर रही है, अब हम क्या करें? भाई बहुत गुस्सा करेंगे। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, हश्र कर देंगे हमारा। तो फिर कुछ सोचो। आने दो उन्हें, कह देंगे कि पता नहीं चला। हाँ, हम भाई से झूठ बोलेंगे और वो यकीन कर लेंगे। अगर मोहब्बत करने वाले मिल जाए तो मुझे झूठा कहलाने में कोई हर्ज नहीं मेरे भाई। तो आने याद है तुम्हें हमजा, हम यहां अर्तुरुल भाई को ढूंढने आए थे। गुजर गया वो वक्त, हमने अपनी जिंदगियां उनके लिए दांव पे लगाई और उन्होंने हमारे ही सीने में खंजर घोंप दिया। गद्दारी का इल्जाम लगाया हम पर। अब भूल जाओ अर्तुरुल को और काम करो अपना। तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना, मालूम करो वजीर आर्तकुश कौन है और कहां मिलेगा हमें। मंगोल दनदनाते फिर रहे हैं और सलजूक सल्तनत बेखबर सो रही है।
सुल्तान अलाउद्दीन ने यकीनन कुछ सोचा होगा। हमारा मुकद्दर ऐसे सुल्तान के हाथ में है जो महल में बंद है। क्या सुल्तान कभी महल छोड़कर जंग में शरीक होते हैं? गुंजागुली अल्फाज आपके बाबा के तो नहीं। जो भी महल की जानिब देखता है उसे उबलता हुआ लावा नजर आता है जनाब। तो आपकी नजरें दीवार के उस पार भी देख सकती हैं। काश के अपने बाबा के अजाइम भी देख सकती हैं आप। बात सुनो भाई, खाने में क्या है? नोयान बहुत भरोसा करता है, मैं भी भरोसा करता हूं उस पर। तुम्हें जल्द उसकी काबिलियत का अंदाजा हो जाएगा। बाहर निकलो, मना किया है ना तुम्हें? तुमसे कहा ना बाहर निकलो। सुल्तान अलाउद्दीन के पालतू सबान संभाल के मलून, इसे पकड़ो आकर, बाकी सबको बांधो। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या चाहते हो? कौन हो तुम? भाई दुर्गुत, मेरे भाई। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। दुआन। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान साहब के बिल में घुस गया है, मुझे उम्मीद है वो खतरे से बर वक्त आगाह करता रहेगा। लेकिन क्या मालूम कि वो जिंदा भी है कि नहीं भाई? अगर वो नोयान का एतमाद हासिल ना कर सका और किसी मुश्किल में फंस गया फिर? ये मालूम करने की एक ही सूरत है कि किसी तरह उस बिल में जाऊं मैं, और यही करूंगा मैं। तो फिर फौरन चलना चाहिए हमें। नहीं, अभी नहीं तुर्कुत। नोयान पे हमले से पहले उसकी हर कमजोरी के बारे में जानना होगा हमें।
हमारे पास अब कबीले की हिमायत नहीं है। तुम लोग बताओ, गद्दार का मालूम हुआ कुछ? अभी नहीं भाई, कोचाबाश पे शक था लेकिन उसे तो हमने खुद मंगोलों से बचाया। उनका हर कदम जाने बगैर कभी इस मुकाबले में हम उन्हें शिकस्त नहीं दे पाएंगे। जल्द अब्दुल रहमान की खबर लेनी होगी मुझे, और तुम लोग इस दौरान उस गद्दार को ढूंढोगे। किसके साथ हो तुम लोग? तुम जानते नहीं हो किस पे हाथ डाला है तुमने। बकवास बंद कर वरना यहीं मार डालूंगा मैं तुझे। तैयारी करो चलने की। मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। अब आ ही गए हो तो शर्माना कैसा? आ जाओ, तुमसे तो पुराना हिसाब भी बराबर करना है मुझे। हमला करो इन पर! कुंजगुन, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा।
तुम यहां कैसे आई हलीमा? दुआन और तुरगुत का ताकुब करके। सुना, हलीमा सुल्तान ने तुम्हारा ताकुब किया और तुम दोनों को पता ही नहीं चला। माफ कर दे भाई। तुम्हें इस हालत में नहीं आना चाहिए था हलीमा। आपसे नाम मंसूब होने के बाद से हमारी किस्मत में हालात के बाइस सिर्फ जुदाई है। आपको देखने की हसरत यहां तक ले आई। लेकिन क्या इस वजह से दो जिंदगियां खतरे में डालना ठीक है? मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ये बर्दाश्त कर पाऊंगी। अर्दुर, हर तरफ आग लगी है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां सांस ले सके सुकून का। हलीमा सुल्तान, तुम काई कबीले की बहादुर मां बनोगी। काई औरत कभी हार नहीं मानती, अपने हालात से लड़ती है मजबूत चट्टान की तरह, चाहे हालात कितने ही दुश्वार क्यों ना हो। यह सब सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में अर्दुर। सुकून का लम्हा सिर्फ वो है मेरे लिए जब आपका साथ मेरे साथ है, और जब आप साथ नहीं होते मुझे ये खौफ रहता है कि इस बच्चे को अपने बाप की शफकत कब मिलेगी। वादा करता हूं अपनी औलाद से और तुमसे कि अपने ख्वाबों की दुनिया को अपनी तलवार से तराश कर तुम दोनों को ले जाऊंगा। वहां हमारी आने वाली नस्लें सुकून के साथ इस सरजमीन पर खौफ के बगैर रहेंगी, और यह सरजमीन उनका वतन होगी इंशाल्लाह। अब तुम वापस चले जाओ और मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। आप कब वापस आएंगे अर्दुर? मेरी वजह से कबीले को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुझे नहीं पता कब आऊंगा, जल्द आऊंगा या देर से, लेकिन इंशाल्लाह वापस जरूर आऊंगा। वादा है तुमसे हलीमा सुल्तान। क्या आप ठीक हैं? हमारी जान बचाने का बहुत शुक्रिया। किसके बेटे हो तुम? दुदुर्गा कबीले के सरदार कोरकुत का बेटा तू तकिन गोंजेगुल खातून। अल्लाह आपको दोनों जहानों की खुशियां देते, आपने उन जालिमों से हमारी जान बचाई है तूतकिन भाई। कौन थे ये लोग? काई जंगजू थे, लेकिन वो गद्दार हैं अब, और नोयान के पालतू हैं। आप कौन हैं जनाब? सुल्तान अलाउद्दीन का सफीर, वजीर आर्तुकुश। मशहूर वजीर आर्तुकुश। खुशामदीद भाई। सलजुक सिपाही वादी में आराम कर रहे हैं और इनमें कुछ जख्मी भी हैं, खास ख्याल रखना। सब खैरियत तो है ना?
हमजा और अब्दुलरहमान मंगोलों के साथ मिलकर आर्तुगरुल साहब को मारने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी जाओ और जाकर जख्मियों को देखो। जो आपका हुक्म भाई। आइए बाबा के औताक में चलिए। मैं पहले हाइमा खातून से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनसे मिलकर ताजियत करनी है। जैसा आप चाहे। बुआज वजीर आर्तुगरुल को हाइमा फूफी के खेमे में ले जाओ। जी भाई। आप आइए। फूफी जान तुम ठीक तो हो ना गोंजा कुल? जी ठीक हूं मैं। तू तक इन भाई अगर वक्त पर नहीं पहुंचते तो जाने क्या हो जाता। वहां क्या हुआ था? नोयान के आदमी थे क्या? जी बाबा। सरदार कोरकुत। आओ गोंजा कुल बैठ जाओ यहाँ। नोयान के पालतू थे, हमजा और अब्दुलरहमान उनकी कयादत कर रहे थे। अर्तुरुल यहाँ नहीं है लेकिन उसकी गलतियां हमें आहिस्ता आहिस्ता जलाती जा रही हैं। मकसद क्या था उनका? आर्तुगरुल साहब। आर्तुगरुल? वो भी वहां थे? जी। तो बेटा उनकी जान भी तुमने बचाई है क्या? ऐसा ही है बाबा। तो फिर उन्हें यहां लाना चाहिए था ना? वो पहले हाइमा भुप्पी से मिलना चाहते थे, हालांकि उनकी जान मैंने बचाई और वो वहां चले गए। और ताक में मिलने आपसे नहीं आए बाबा? आप ठीक तो है बाबा? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। चलो बेटी इन्हें बातें करने दो, हम चल के अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। चलो आओ यहां बैठो मेरे पास, बैठ जाओ। शाबाश, थक गई होगी। अब बताओ वहां कोनिया के क्या हालात हैं? सादतिन कोपेक बाबा को कहीं नहीं जाने देते, बहुत भरोसा करते हैं उन पर। लेकिन असल में आपका सवाल सुल्तान का तख्त उलटने के हवाले से है ना, तो मेरी बात का यकीन करें, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। इंशाल्लाह जल्द ऐसा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई को वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। आपके भाई ने और आपने जो भी चाहा है कि आज तक हासिल नहीं कर पाए। आप कबीले का अहवाल बताइए, मुझे इतने अचानक क्यों बुला लिया? तुम्हारी आयतुलन फूफी बहुत जल्द अपना मकसद हासिल करने वाली है। मुझे पूरा यकीन है। मैंने तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ लिया है गुंजा। क्या मेरे लिए? या अल्लाह मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। तुमसे मजाक नहीं कर रही मैं। किसको मेरी आग में जलाकर जहन्नुम भेजना चाहती हैं आयतुलिन खातूना? सुलेमान शाह का बेटा गुंदोगदू। मंगोलों के हमले के नतीजे में होने वाले आपके जानो माल के नुकसान का हमें बहुत ज्यादा अफसोस है हाइमा खातून। सुल्तान अलाउद्दीन ने मुझे जाती तौर पर आपसे ताजियत करने का हुक्म दिया है। उनका शुक्रिया। अल्लाह सुल्तान अलाउद्दीन को हमेशा हमारी रियासत का सरबरा बनाए रखे। वैसे कबीले पर एक बार हमला करके मंगोलों ने आप लोगों का नुकसान किया, लेकिन दूसरी बार तो आप लोगों ने खुद अपना नुकसान किया है। अर्तुरुल को निकालकर कबीला बद्र कर देना काई कबीले के लिए दूसरी बड़ी तबाही साबित होगा। अर्तुरुल एक बहादुर जंगजू ही नहीं बल्कि एक बहुत ही काबिल सिपहसालार है।
अर्धकुश साहब, हमने वही किया जो हमारे कबीलों के इत्तहाद और सलामती के लिए जरूरी था। जहां तक मेरे भाई की कबीला बदरी का सवाल है, तो वो एक दिन जरूर वापस आएगा, क्योंकि ये एक आर्जी फैसला है और ये फैसला हमारी वालिदा ने जाती तौर पर किया है। बहुत खूब, उम्मीद करता हूं ये फैसला दुरुस्त साबित हो। लेकिन अर्तुरुल से मुलाकात करके बहुत ही अहम मामले पर बात करनी है मुझे। अगर किसी तरह उनसे राब्ता मुमकिन है तो मेरा पैगाम उन तक जरूर पहुंचा दें। अंदर आने की इजाजत है हायमा बहन? आइए, खुश आमदीद भाई। जब दोनों कबीलों ने अपनी किस्मत आपस में बांट ली है तो किसी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। खुश आमदीद अर्धकुश भाई। कोरकुत साहब, मैं यहाँ आकर खुश नहीं हूँ। जितना भी सुना मैंने वो सब परेशान कुन और गौर तलब है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे। आप किस गलती की बात कर रहे हैं अर्धकुश साहब? अर्तुरुल को कबीला बद्र करना। जो कुछ अर्तुरुल ने जिरगे में बताया वो सब हर्फ बहर्फ दुरुस्त था। नोयान का मकसद जंग से पहले हमारे जंगजुओं को थकाना है, इसीलिए मैं यहाँ कबीलों का मुआयना करने के लिए आया हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि नोयान हर कबीले के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है और दो बड़े कबीलों से वो खुद जाती तौर पर निमट रहा है। आने वाला मौसम दुश्वार तरीन है, सिर्फ अर्ज़ रूम की लहू जमाती सर्दी से ही नहीं, नोयान के दाव पेच और चालों से आप लोगों के दिलो दिमाग कांप उठेंगे। ये जिम्मेदारी आप लोग अहल अफराद के हवाले करेंगे ताकि सुल्तान अलाउद्दीन आप लोगों की तरफ से बेफिक्र हो जाए। तो जिस शख्स ने आपकी जान बचाई, क्या वो इस जिम्मेदारी का अहल नहीं है जनाब अर्धकुश? अगर मुझे लगता कि तुम में अहलियत नहीं तो मैं साफ साफ कह देता हूं, लेकिन अर्तुरुल मुख्तलिफ है। नोयान जैसे सफाक आदमी से निपटना है तो हमें अर्तुरुल जैसे बहादुर की जरूरत है। मुझे इजाजत दीजिए, कुछ देर आराम करना चाहता हूं, उसके बाद तफसील से बात होगी। अर्धकुश साहब आज मेरी औताक में मेहमान होंगे। जो आपका हुक्म सरदार। इजाजत दीजिए। अर्धकुश साहब ने हायमा खानम से कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। कोई अहम बात है। तेली दमीर और अर्तुक भाई ने आपको पैगाम भेजा है। मौसम सरमा के बाद फौजें सरहदों पर रवाना होंगी और जंग के लिए मुकम्मल तैयार होंगी। पहले मुझे रवाना किया है ताकि मैं इलाकों और कबाइल का मुआयना कर सकूं। अर्तुरुल, तुमने मुझे नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या तुम्हें हमारे इस फैसले पे कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी भर का फैसला है।